हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम कियाट एंड डिजाइन। सो आज एक्रिलिक कलर में कैसे आप स्लो ड्राई कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, एक्रिलिक कलर बहुत रिसेंटली बहुत पॉपुलर मीडियम हो गया है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल एक्रिलिक कलर यूज करते हैं अपने कैनवासेस और बनाने के लिए। लेकिन एक चीज होती है कि एक्रिलिक कलर आपको जब आप एकदम फ्लैट कलर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो कर लेते हैं और अच्छे से काम हो जाता है। बट जब मिक्सिंग करने का टाइम आता है, जब आप एक शेड करना चाहते हैं, तब वो होता नहीं है। तो वो क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत जल्दी सूख जाता है, कलर लगाते ही थोड़ी देर में ही सूख जाता है। इन अनलाइक ऑयल कलर, जब ऑयल कलर हम करते हैं तो आपको 3-4 दिन लगते हैं सूखने में। इसी वजह से आप उसमें शेडिंग कर सकते हो प्रॉपरली, उसमें ब्लेंड कर सकते हो। तो ये एक रीजन है ऑयल और एक्रिलिक को डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन जो भी डिफरेंशिएशन ऑयल और एक्रिलिक कलर में है, उसको मैं आज मिटाने वाली हूँ। आपको एक टिप्स देने के लिए आई हूँ कि आप कैसे एक्रिलिक कलर में भी शेडिंग और ब्लेंडिंग कर सकें और एक्रिलिक कलर थोड़ा सा स्लो ड्राई हो। सो उसके लिए कुछ मीडियम्स आते हैं, वो है आप ऐसे टाइप के मीडियम्स ले सकते हैं। स्लो ड्राइंग जेल है मीडियम, ये कैमल का है, बट देर आर मेनी मोर एक्चुअली मीडियम्स जिसमें डिफरेंट कंपनी में है, विंसन न्यूटन में है, रॉनी में है, बहुत सारे और भी कंपनीज हैं जिनमें आपको ये वाला स्लो ड्राइंग जेल मिल जाएगा। और स्लो ड्राइंग जेल का सारे स्लो ड्राइंग जेल के लिंक दे देंगे, सो दैट आप वो बाय कर सको और आपका जो जर्नी है आप ब्लेंडिंग और शेडिंग एक्रिलिक कलर करने में, वो आपके लिए इजी हो जाए। सो अगर आपके समझ रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत महंगा है कैसे करें, तो बहुत और एक ऑप्शन है जो है आप ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अगर कट वट जाता है या लिप्स विप्स मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं तो आप वो लगाते हो, तो मेडिकल शॉप में आपको ग्लिसरीन इजीली मिल जाता है, तो आप वो भी जाके ले सकते हैं। अब इसको वर्क कैसे करते हैं, ग्लिसरीन स्पेसिफिकली आप बहुत कम यूज करोगे। जब आप एक्रिलिक कलर मिक्स कर रहे होते हो पैलेट में, तभी थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाओगे और उस ग्लिसरीन को मिला के पानी मिला के फिर उसको यूज करोगे, तो वो थोड़ी देर तक के बाद, मतलब 2-3 घंटे के बाद वो सूखेगा। बट अगर आपने ग्लिसरीन का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा मिला दिया तो वो कभी नहीं सूखेगा, इसलिए आपको समझ के यूज करना है। थोड़े एक्चुअली में मुझे इतना लगता है कि आप थोड़ा सा यूज करके देखेंगे, बार बार यूज करेंगे तो कितनी क्वांटिटी प्रॉपरली चाहिए होता है वो करते करते आपको समझ में आ जाएगा। इवन जिस स्लो ड्राइंग जेल है उसकी भी क्वांटिटी ऐसा नहीं कि भर के आपने डाल दिया तो भी वो भी सेम प्रॉब्लम होगी कि आपका जो बेसिकली सूखेगा नहीं बिल्कुल ही, इसलिए इसकी भी क्वांटिटी आपको बहुत कम लेनी है। कंपेरेटिवली आप ग्लिसरीन लोगे उससे थोड़ी ज्यादा लोगे इसको, लेकिन ग्लिसरीन को बहुत ही कम लेना है। तो ये आपको करते करते आपको समझ में ज्यादा आएगा कि आप कितना क्वांटिटी ले सकते हो और फिर किस तरह से आपका जो एक्रेलिक कलर है कैसे वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से आपको कम काम करने में आसानी होगी। सो ये जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अगर आपको किसी को भी लगता है कि सारे जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे को ज्वाइन करना है और या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए रिगार्डिंग BFA एडमिशन और MFA एडमिशन और रिगार्डिंग एनी प्रोफेशनल क्लास और हॉबी क्लास आपको मुझसे लेनी है, तो मेरा नंबर व्हाट्सएप में नंबर दिया गया है, वहां पे जरूर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपना नाम और स्टेट जरूर लिखिएगा, उसके बाद आपको जो भी चीज चाहिए वो आप बताइएगा, लिख के दीजिएगा, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ड्रॉइंग भी भेज के हमसे पूछ सकते हैं कि कैसा मेरा ड्रॉइंग है, तो मैं वो भी आपको बता सकती हूँ कि आपको और कितना इम्प्रूवमेंट करना है। सो मेरी क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस दे रही हूँ, और ऑनलाइन क्लास जो है वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लास जो है वो आप एक्चुअली में GK2 में आके ले सकते हैं। सो क्लासेस कौन सी लेनी है, क्या करनी है, वो आप जरूर लिखिएगा अगर आपको क्लास लेनी है, और मैं आपको और सारी चीजें सब कुछ डिटेल जो है क्लास की वो व्हाट्सएप मैसेज में बता दूंगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ग्रैब योर फोन एंड आस्क मी एनीथिंग। सो अगर ये वीडियो आपको और अच्छा लगता है और
कुछ भी आपको लगता है कि मेरे को और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाना है, सो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज में लिख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे और किस टाइप के वीडियोस बनाने चाहिए। सो मैं आपकी कमेंट्स के लिए बहुत वेट करूंगी कि सो दैट मैं और इसमें इम्प्रूव कर सकूँ और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में आपके साथ फाइन आर्ट या ड्रॉइंग के टॉपिक्स में वीडियोस बना के दिखा सकूँ। सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए डू सब्सक्राइबर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।